वेलकम टू मार्वल फ्यूचर फाइट इन इंडिया। तो चलो शुरू करते हैं। थोड़ा धीरे धीरे आवाज़ में बात कर रहा हूँ ताकि किसी थर्ड पर्सन को सुनाई ना दे, इसलिए धीरे आवाज़ में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो बिना देरी के जल्दी से GBR गांड बॉस रेड डोरमामू शुरू करते हैं। तो मेरे साथ में है स्टॉक कम्युनिटी और मैं, और एक और बंदा है, 1NIV करके बंदा है। तो इसके साथ में हम लोग फाइट कर रहे हैं, और फाइट के समय मैंने जो गेम का वॉल्यूम है पूरा बंद कर दिया है ताकि मेरा वॉइस ओवर अगर करता हो तो सही से मेरा प्रॉपरली आवाज़ रिकॉर्ड हो। तो यहाँ पर मैं हम लोग तीनों RMR लेके गए और RMR से डैमेज देने की पूरी कोशिश की, जितना ज़्यादा हो सके उतना RMR से डैमेज देने की कोशिश की है। बट अभी देखते हैं कि किस किस का कैसे कैसे परफॉर्मेंस निकलता है। थोड़ा सा यहाँ पर मरते मरते बचाऊँ तो मैंने साइक्लॉप्स चेंज कर दिया, और डोरमामू का जो ये जो अटैक है, ये वाला अटैक है, इससे बचना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अब जैसे कि मैं बोल रहा था कि यहाँ पर डैमेज देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, टोनी है, मैं हूँ और एक और बंदा है। तो तीनों ने RMR यहाँ पर मैं ले लिया है। एक के पास में वेलकरी है सपोर्ट के, और एक के पास में यहाँ पर मैं जो है वार मशीन है, हल्क बस्टर की लीड है। तो हम तीनों यहाँ पर अपना अपना एफर्ट लगा रहे हैं। यहाँ पर मैंने साइक्लॉप को CTP इंसाइट दिया हुआ है, तो CTP इंसाइट साइक्लॉप के साथ में यूज़ कर रहा हूँ अटैक के लिए, ताकि वो सुपर विलन फैक्शन भी दे और बाकी लोगों को भी प्रोवाइड हो जाए साइक्लॉप की लीड, तो बाकी जो मेम्बर हैं उनको भी आई होप सपोर्ट मिल जाए। बट देखते नहीं होता, होता नहीं होता है। वो व्हाइट फॉक्स की लीड मिलती थी बाकी कैरेक्टर को, बट साइक्लॉप का मेरे को श्योर नहीं है। तो जैसे तैसे करके यहाँ पर मैं डोरमामू ने मेरे को दूसरे वाले पार्ट में भेज दिया। दूसरे वाले पार्ट में जिस भी बंदे को भेजता है डोरमामू, तो उसके अगेंस्ट में लड़ना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक तो पूरा अटैक मारना पड़ता है, Tier 3 अटैक, और प्रॉब्लम यह है कि मेरे जो कैरेक्टर है शेरॉन RMR, इसको मैंने ज़्यादा OP लेवल का नहीं बनाया है, बिकॉज बहुत बेसिक रखा है, ज़्यादा ओडिंग ब्लेसिंग वगैरह दिया नहीं है। एक तो एनर्जी अटैक वाले ब्लेसिंग शुरू ज़्यादा मिलते नहीं है, और ये डोरमामू का नेक्स्ट वाला अटैक जिसमें काफ़ी ज़्यादा हेवी डैमेज होता है, तो ये अटैक में थोड़ा बच के काम करना पड़ता है, और जितना ज़्यादा हो सके उतना उसके फायर अटैक से बचते हुए लड़ना पड़ता है। और ये सेकेंड वाला अटैक राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ये साला हमेशा मुँह से आग लग होता है, कभी पिछवाड़े से भी उगल मजोक मारा। तो यहाँ पर मैं जो है इससे लड़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, थोड़ा सा यहाँ पर डिफ़िकल्ट है। तो ये कुछ ऐसे अटैक करता है, 3-5 Tier 3 किया, और इसके ऊपर जितना हो सके उतना डैमेज देने की कोशिश चालू है। थोड़ा सा RMR और शेराओं का जो ATK है वो थोड़ा और करना है, ताकि उसको और अच्छे से ब्लेसिंग शुरू ला के दे दूँ। तो ब्लेसिंग शुरू मेरे को मिलेगा वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट से, क्योंकि वहीं से मेरे को सबसे ज़्यादा ड्रॉप रेट मिलते हैं, और वहीं से मैं टाइटन बुक वगैरह इकट्ठा करता हूँ। वर्ल्ड बॉस लेजेंड से मेरे को कोई होप और एक्सपेक्टेशन नहीं है। वर्ल्ड बॉस लेजेंड मेरे लिए कोई उतना ज़्यादा खास मायने नहीं रखता CZF को छोड़ के, तो मैं सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट पे। और ये मेरा RMR मरते मरते बचा, यहाँ पर मैं लगभग 90% HP ख़त्म हो गई थी, बचा दिया उसको। और अच्छा हुआ मेरे पास में काफ़ी पावर लेवल है, तो उसके वजह से मैं यहाँ पर मैं RMR को हील कर पाया, अदरवाइज बहुत मुश्किल होता। ये फिर से लेफ़्ट टू राइट वाला अटैक, इससे बचना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए कैरेक्टर को स्विच करके बचाना पड़ता है बार बार अगेन एंड अगेन। तो RMR को लिया रिकवरी के लिए, और इसका स्किल नंबर 3-4 थोड़ा डीले कैंसिल, तब वो मिसाइल अटैक करता था, एंड अगेन RMR मरते मरते बचा, उसको रिकवरी के लिए भेज दिया। शेरों का इस्तेमाल कर रहा हूँ अटैक के लिए। तो यहाँ पर मैं जो है अपना स्टॉक कम्युनिटी टोनी, क्या ज़बरदस्त अटैक कर रहा है, क्या ज़बरदस्त अटैक कर रहा है भाव, वो वीडियो मान गया, बहुत ज़बरदस्त अटैक किया इसने, लगा नहीं था इतना ज़बरदस्त अटैक करेगा, लेकिन काफ़ी अच्छा ज़बरदस्त अटैक किया इसने। इसका RMR का बिल्ड, इसका जो RMR का रैंकिंग है तकरीबन 3000 के आसपास है, मतलब इसका जो बिल्ड है काफ़ी अच्छा है। इसने हर स्लॉट में ब्लेसिंग शुरू लगा रखे हैं, एनर्जी अटैक प्लस क्रिटिकल डैमेज, एनर्जी अटैक प्लस क्रिटिकल डेट, एनर्जी अटैक प्लस स्किल गुना ड्यूरेशन, एनर्जी अटैक प्लस अदर बोनस, एनर्जी अटैक प्लस फिजिकल अटैक वाले ब्लेसिंग शुरू तक चढ़ाए हैं, इसलिए इसका RMR इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसका हाई डैमेज है। प्लस CTP डिफोर्ज किया हुआ है, जिसके अंदर में कॉन्सेंट्रेशन और पियर्स भी है, तो इसलिए इसका जो RMR है मेरे RMR के दुगना ज़्यादा पावरफुल है और ज़्यादा हेवी डैमेज दे रहा है, इसलिए मेरा जो है थर्ड नंबर पर दिखा रहा है।
लेकिन मैं भी छाणिया, मैं भी कुछ ना कुछ डैमेज देने की कोशिश कर रहा हूँ, बट उतना ज़्यादा खास नहीं दे पा रहा। कॉमिक कार्ड मेरे थोड़े बेटर है, स्टाफ कम्युनिटी से थोड़े बेटर है, बट बिल्ड जो है वो उतना खास नहीं है, तो मेरे को थोड़ा सा और एटी के ज़रूरत है, और ज़्यादा ओडियम ब्लेसिंग की ज़रूरत है। अभी ओडियम ब्लेसिंग लाने के लिए मेरे को वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट खेलना पड़ेगा, वर्ल्ड बॉस लेजेंड छोड़ के। या तो एक काम करना पड़ेगा, कॉमिक कार्ड को क्राफ्ट करना पड़ेगा, प्रीमियम कॉमिक कार्ड लगे, और क्राफ्ट करने के बाद में वहाँ से एटी के हाई करना पड़ेगा। तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, बोनस मेरे कंट्रोल में नहीं है, कौन सा बोनस आएगा कौन सा नहीं कोई गारंटी नहीं। और ये फिर से लेफ्ट टू राइट वाला अटैक, इस अटैक में मरते मरते बचाऊँ आरमान शेरन और दुशा साइक्लोन, तीनों की हील बराबर है, और इस तरफ मैं यहाँ पर मैं बाकी लोगों के डैमेज वगैरह देख रहा हूँ। मैं ये जो डोरमोमो का अटैक है, कभी कभी डोरमोमो के अटैक की वजह से आयरन मैन वर्क नहीं करता और कई बार रुक जाता है, तो उसके वजह से भी आयरन मैन का डेथ कंफर्म हो जाती है कई बार। जैसे ये वाला अटैक, ये डायरेक्ट इसने आयरन मैन के ऊपर थ्रो किया, तो वो थोड़ा सा आयरन मैन को वहाँ से साइड हटने में टाइम लग गया, तो कई बार होता है कैरेक्टर फंस जाता है, फंस जाने के बाद में देखो जैसे आया शेरों को लेके गया इसलिए उतना बच गई वो, नहीं तो अदरवाइज दूसरा कोई कैरेक्टर रहता तो फंस ही जाता। तो जब भी वो फायर थ्रो करे तो कैरेक्टर स्विच कर दो, ताकि उसका फायर तुम्हारे कैरेक्टर पे ज़्यादा अप्लाई ना हो। और ये वाला जो अटैक है, इस अटैक में गोल सर्कल दिख रहा है, उस सर्कल में जाके खड़ा होना, अगर वो गोल सर्कल के अंदर खड़े खड़े नहीं हुए तो कैरेक्टर मारा जाएगा, सारे के सारे कैरेक्टर मारे जाएगा। तो एक एक गोला, तीन गोले मिलते हैं, तीन ग्रीन कलर के गोले के अंदर में सेंटर में खड़ा रहना है, और कैरेक्टर हो सके तो ज़्यादा एचपी वाला कैरेक्टर लेके रख देना, ताकि डैमेज अगर पड़े भी तो बाकी कैरेक्टर ना मरे, और कोशिश करना कि उसी के अंदर खड़ा रहना, चाहे वो डोरमोमो कितना भी आप ढकलने की कोशिश करे सर्कल के बाहर, लेकिन सर्कल से बाहर नहीं निकलना है। अगर गलती से सर्कल से बाहर निकल गए तो डैमेज लग गया तो गए बेटा, कैरेक्टर पूरा टाटा बाय बाय पीस। तो जैसे तैसे करके हमने फर्स्ट फेज क्लियर कर लिया, और उसके बाद में सेकंड फेज का 16 बार चालू है, और फर्स्ट फेज का 16 बार यहाँ पर हम लोग जैसे तैसे, 2 मिनट लेफ्ट है अभी, 3 मिनट लेफ्ट है, तो 3 मिनट के अंदर अंदर क्लियर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। साथ में टोनी भी यहाँ पर काफ़ी हेवी डैमेज दे रहा है, और मैं भी यहाँ पर टीयर 3 का जो शेरान है, शेरों का टीयर 3 स्किल है, उसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठा रहा हूँ, और ये मेरे को वापस भेज दिया सालम महादर। ये हमेशा मेरे को उधर भेजता है, ये इसकी माँ का तेरी तो मैं ऐसे की तैसी, रुक साले, 1 3 5 और ये TR3 ले, खा खा बेटा ले 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 अच्छे से खा। और 13 बार बचे हैं अभी, 2 मिनट लेफ्ट, 2 मिनट के अंदर मैं 13 बार क्लियर करना, तो मज़ा आ रहा अटैक करने के लिए। चाय चगावत ये आ रहे मंगे, 3 4 DC, उसके बाद में 2 और 5 किया मैंने, 2 प्रेस इसलिए किया ताकि और ज़्यादा एक्स्ट्रा डैमेज मिले। तो यहाँ पर मैं मेरा जो सेकंड नंबर का यहाँ पर मैं अटैक आ रहा है, क्योंकि थर्ड पर्सन मर चुका है, उसके सारे कैरेक्टर डिफेट हो गए, हल्क बस्टर आयरन मैन और जो वेलकरी थी वो भी मर गई, तो यहाँ पर मैं ये दिक्कत हुई है। अभी आगे यहाँ पर मैं और भी ज़्यादा डैमेज देने वाला हूँ, कोशिश चालू है कि और डैमेज दूँ, और काफ़ी ज़्यादा डोरमोमो का बड़ा लेवल का अटैक था, इससे बचते बचाते 1.5 मिनट बचे अभी, 1.5 मिनट में अंदर में 9 बार क्लियर करना है, 8 बार। तो टोनी का काफ़ी ज़्यादा हीवी डैमेज है, उसने 7 2 बार क्लियर कर लिया, 7 7 बार हो गए अभी, 1.5 मिनट के अंदर अंदर 7 बार क्लियर करना है, और ऑलमोस्ट मैंने भी काफ़ी हद तक डैमेज दिया, और मेरे को भेज दिया वापस सेकंड स्टेजेस में, जहाँ पे मैंने शेरॉन स्विच कर लिया ताकि जल्दी से मैं जाके टोनी की मदद कर सकूँ। तो यहाँ पर मैं स्टॉक कम्युनिटी ने लगभग 7 बार एक और बार क्लियर कर लिया, और लगभग 6th बार का 5th बार कर दिया है, शाबाश, काफ़ी अच्छा डैमेज दे रहा है अकेला, सिटी पे एनर्जी रिफोर्स मारना पड़ेगा। और ये 5th बार भी क्लियर कर लिया, और ये 4th बार भी लगभग क्लियर कर लिया, 47 सेकंड्स के अंदर मैं 4 सेकंड 4 बार क्लियर करना है, और ये चौथा बार भी क्लियर हो गया, अब ये तीसरा बार, और तीसरा बार में मैंने भी फुल अपनी ताकत लगा दिया, स्किल नंबर 3 TR3 वेयर थी सब रेडी करके, एकदम मारने की पूरी खचा खच मारने की पूरी तैयारी, और जैसे तैसे करके 2 बार बचे अभी, 30 सेकंड के अंदर में 2 बार क्लियर करना है। तो ये आरएमएम का skill number 3 4 2 5 डील कर दिया, और लगभग लगभग 21 सेकंड्स लेफ्ट है, और 18 सेकंड 18 सेकंड 18 सेकंड 17 17 15 सेकंड लेफ्ट 15 सेकंड लेफ्ट,
और ये जैसे तैसे क्लियर हो गया। तो 12 11 सेकंड लेफ्ट थे, 11 सेकंड के अंदर में 9 सेकंड 8 8 6 ऑलमोस्ट पूरा 10 मिनट लिया हम लोगों ने क्लियर करने के लिए। थोड़ा सा और पियर्स रहता, थोड़ा और अच्छे CTP मिले रहते, और ज़्यादा एक्स्ट्रा CTP मिले रहते तो और ज़्यादा रिफोर्स करके कैरेक्टर को देना आसान हुआ था। तो यहाँ पर मैं जो गलती है वो नेट मार्बल की है, अच्छे CTP ना दिए, नहीं ना देने के कारण यहाँ पर मैं स्टेजेस को ज़्यादा क्लियर करने के लिए टाइम लगा। तो CTP ज़्यादा मिलेगा तो रिफोर्स करेंगे, रिफोर्स करेंगे तो अच्छा बिल्ड होगा। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, धन्यवाद।